नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका हम देखो साइंस का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब साइंस का सेक्शन जब हम इसका डिस्कस करेंगे तो हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि बहुत कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 134 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। 134 क्वेश्चन नंबर में बोलते हैं, हाउ मैनी टाइम्स डज द हार्ट बीट अप्रोक्सीमेटली इन अ मिनट इन ह्यूमन। तो मनुष्य का हृदय जो है वो एक मिनट में लगभग कितनी बार जो है वो धड़कता है। अब देखो इस चीज़ को अगर आप साइंटिफिकली, अगर जब आप पेपर में बैठते हैं तब आप इसको चेक करने लगेंगे तो हो सकता है आप एक्यूरेटली चेक ना कर पाएँ, परंतु अभी जब आप एक नॉर्मल पोजीशन में घर में बैठे होंगे तब आप चेक करेंगे तो आप एग्जैक्टली चेक कर पाएंगे। तो एक बार चेक करके देख लीजिएगा, इसका सही आंसर 72 टाइम्स होगा, ये आप ध्यान रखिए। अब हार्ट आपका ह्यूमन हार्ट जो है उससे रिलेटेड एक और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं। तो ह्यूमन हार्ट में आपने ध्यान रखना है कि चार चैम्बर होते हैं, इसमें दो अपर चैम्बर होते हैं और दो लोअर चैम्बर होते हैं। तो चैम्बर्स ह्यूमन हार्ट में चार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। दांत की हड्डियाँ जो हैं वो मजबूती और कठोरता प्राप्त करती हैं किससे। देखो हमारी दांत की जो हड्डियाँ होती हैं और दांत की जो दांत होते हैं हमारे, वो मजबूती और कठोरता जो है वो प्राप्त करते हैं कहाँ से, कैल्शियम से। इसलिए कहते हैं कि कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा लो ताकि दांतों में जो है स्ट्रेंथनेस आ सके, दांत जो है हमारे मजबूत बन सके। अब कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना जाता है, तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम में आपका मिल्क बहुत अच्छा माना जाता है, इसमें सोयाबीन आ जाता है, ब्रोकली आ जाता है, इन चीज़ों से कैल्शियम जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, यहाँ से कैल्शियम लिया जाता है बॉडी के लिए। आगे बोलते हैं 136 में, 136 में बोलते हैं विच इज़ नोन एज मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्लैंड के नाम से जो है वो किसको जाना जाता है। देखो मास्टर ग्लैंड के नाम से बात करें कि हमारे बॉडी में किसको जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि जो है इसको जो है वो क्या कहते हैं, इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जो है वो जानते हैं। एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी कौन सी है, वो है आपका लीवर। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी की। अच्छा एक क्वेश्चन और पूछ जाता है कि कौन सी ग्लैंड ऐसी है जिसमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है। तो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन जो है वो कौन सी ग्लैंड में होते हैं, वो पैनक्रियाज ग्लैंड में होते हैं, पैनक्रियाज ग्लैंड आपको ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखिए। अच्छा स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड की बात करें तो वो है पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड जो है वो स्मॉलेस्ट ग्लैंड मानी जाती है। अगला देखिए 137 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेबीज सीजा। तो रेबीज जो है वो एक किस तरह का क्या रोग है, तो ये एक वायरल डिजीज है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, एक विषाणु रोग है। अगर मैं रेबीज के बारे में आपको बताऊं तो देखो रेबीज के बारे में आपने क्या ध्यान रखना है, इसके बारे में आपने ध्यान रखना है ये होता कैसे है, कि खासकर एनिमल के कॉन्टैक्ट में आने से होता है। जब एनिमल का सलाइवा जो है वो ह्यूमन सलाइवा से कॉन्टैक्ट में आ जाता है, या फिर एनिमल का सलाइवा ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, तो उससे रेबीज वायरस फैल जाता है। रेबीज एक वायरल डिजीज है, ध्यान रखिएगा, आपने अक्सर सुना होगा कि जानवरों के काटने से जो है ये रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद क्या है, बोलते हैं आइस इज पैक्ड इन सॉडस्ट बिकॉज। तो बोलते हैं बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है, क्यों इसको बुरादे में पैक किया जाता है। बर्फ को बुरादे में पैक करने का एक सबसे जो बेस्ट रीजन मान सकते हैं आपकी, वो ये मान सकते हैं कि ये जो बुरादा होता है, सॉडस्ट होता है, ये पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, सॉडस्ट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दैट इज वाई आइस इज पैक्ड इन सॉडस्ट। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं 139 में, 139 में बोलते हैं व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन अ काम वाटर ऑफ अ पॉन्ड वेव्स प्रोड्यूस्ड आर। तो जब एक समुद्र होता है जिसमें पानी बिल्कुल स्थिर है, पानी की कोई हलचल नहीं है, उसमें आप एक पत्थर जो है वो फेंक देते हैं। अब आप यहाँ पर खड़े होकर एक पत्थर फेंक देते हैं, उससे क्या होगा, कौन सी वेव जो है वो उत्पन्न होगी। बेसिक क्वेश्चन है, उससे जो है वो दोनों वेव्स उत्पन्न होगी, उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी उत्पन्न होंगी और उसे ट्रांसवर्स वेव भी जो है वो उत्पन्न होंगी। तो 139 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि उसे दोनों की दोनों वेव्स जो है वो उत्पन्न होंगी जब आप बाहर खड़े होकर जो है पानी में, कोई स्थिर पानी में कोई पत्थर फेंकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, 140 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर बोलते हैं सन अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सन राइज एंड सनसेट ड्यू टू। आपने देखा होगा जब सुबह का टाइम होता है तब भी जो है वो सूर्य थोड़ा लाल रंग का दिखाई देता है, और जब सन सेट होने वाला होता है, सूर्य अस्त होने वाला होता है, तब भी उसका थोड़ा सा रेडिश कलर आपको दिखाई देता है। क्या रीज़न है इसके पीछे, इसके पीछे बहुत ही बेसिक रीज़न है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आप सही आंसर कौन सा करेंगे, करेंगे द फैक्ट दैट ऑल अदर कलर्स स्कैटर्ड अवे एक्सेप्ट रेड। तो ऑप्शन सी सही आंसर है, ये स्कैटरिंग होती है कलर्स की,
तो आप मान सकते हैं कि जब बाकी कलर जो स्कैटर हो जाते हैं सिर्फ लाल रंग को छोड़कर, यही रीजन माना जाता है इसके पीछे। एक और बेसिक क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। क्वेश्चन आपके लिए ये है कि स्टार जो है वो ट्विंकल करते हैं। आपने देखा होगा कि टम टिम टिमाते जो हैं वो तारे रहते हैं। अब क्यों टिमटिमाते रहते हैं तारे? इसके पीछे जो बेसिक सा रीजन माना जाता है वो एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो है वो माना जाता है। एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट जो है ये मानी जाती है, तभी तारे जो है वो टिमटिमाते रहते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हेन विच फिनोमिना डू बैट और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे प्रीडेटर्स और ऑब्स्टेकल्स। तो बोलते हैं चमगादड़ जो होती है वो डॉल्फिन शिकार, चमगादड़ अथवा डॉल्फिन शिकार जो है वो परभक्षी अथवा अवरोध का पता लगाने के लिए किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा कि चमगादड़ें जो हैं वो अपना जो प्रे होता है, उनका जो भोजन होता है, उसका पता कैसे लगाती हैं? उसका पता जो है वो एको से लगाती हैं। जो प्रतिध्वनि होती है एको, उससे जो है वो पता लगाती हैं कि कहाँ पर उनका प्रे है क्या नहीं। इसके पीछे एक और रीज़न भी माना जाता है कि जो अल्ट्रासाउंड होता है, या फिर आप कह लीजिए अल्ट्रासोनिक वेव्स जो होती हैं, वो इस्तेमाल की जाती हैं बैट्स के द्वारा। इसके लिए अपना भोजन जो है वो ढूंढने के लिए इसके लिए यूज़ की जाती है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? बोलते हैं द स्विंग ऑफ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। तो एक स्पिन होती क्रिकेट बॉल की हवा में स्विंग को इस आधार पर समझाया जा सकता है, किस आधार पर जो है उसको समझाया जा सकता है? उसको समझाया जा सकता है टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड, हवा द्वारा कारित विक्षोभ से जो है उसको समझाया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। आगे बोलते हैं 143 क्वेश्चन में अ फ्लाइंग जेट पोजिस। तो एक फ्लाइंग जेट जो होता है, उड़ता हुआ जो जहाज होता है, वो किस तरह की एनर्जी जो है वोज करता है? तो वो देखो काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी, इन दोनों ही एनर्जी का जो है पोजिस करता है, दोनों ही एनर्जी जो है वो होती हैं। तो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी जो है वो सही आंसर होगा। अगला है 144 क्वेश्चन। 144 क्वेश्चन में बोलते हैं टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। पहला क्वेश्चन यहाँ से बना कि इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो कौन सी मेटल का होता है? तो वो टंगस्टन का होता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहीं से बना कि टंगस्टन क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये इसलिए यूज़ किया जाता है बिकॉज इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी सही आंसर है, इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। आगे बोलते हैं 145 नंबर क्वेश्चन में वेजिटेबल आर कुक्ड इन लेसर टाइम बाई एडिंग अ पिंच ऑफ साल्ट वाइल्ड कुकिंग बिकॉज। तो कहते हैं कि खाना पकाते दौरान जो है, अगर आप उसमें चुटकी भर नमक मिला देते हैं तो सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है? ट्राई करके देखिएगा कभी घर में। उसके पीछे रीज़न ये है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पानी का इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आप पानी में ऐसे भी नमक डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट वो जल्दी उबलने लग जाता है, ये आप नोटिस कीजिएगा कभी। तो यही रीज़न है इसके पास कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज और सब्जियां जो हैं वो जल्दी पक जाती हैं नमक डालने से, और टेस्ट में भी नमक के बिना तो कुछ टेस्ट है ही नहीं। आगे बोलते हैं विनेगर इज़ अ कॉमन नेम ऑफ। तो विनेगर जो है वो किसका कॉमन नेम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विनेगर इज़ अ कॉमन नेम ऑफ एसिटिक एसिड। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, एसिटिक एसिड का ये बिल्कुल कॉमन नेम है। अब आपने सुना होगा कि चींटियां आपको काटती हैं, चींटियां आपको काटती हैं, तो वो कौन सा एसिड जो है वो आपकी बॉडी में छूट कर जाती है? वो मिथानोइक एसिड या फिर आप कह लीजिए फॉर्मिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में छूट कर जाती है। फॉर्मिक एसिड जो है वो आपकी बॉडी में वो छूट कर जाती है, ये ध्यान रखना है आपने। अब देखो अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो वीडियो को एक आधी बार शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए जिन लोगों का एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं वीडियोज़। तो अगला क्वेश्चन देखिए 147 नंबर क्वेश्चन, बोलते हैं पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो ह्यूमन ब्लड पीएच कितना होता है इसका, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर अलग से पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि स्लाइटली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, हाईली बेसिक होता है। तो अगर आप पीएच की बात करेंगे खासकर ह्यूमन बॉडी में, तो वो स्लाइटली बेसिक होता है। अगर एसिडिक तो नहीं हो सकता, वो हल्का सा बेसिक होता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मैं बात करता हूँ इसकी इन टर्म ऑफ वैल्यू, इन टर्म ऑफ नंबरिंग इसकी बात करते हैं, तो ये 7.4 के आसपास जो है देखने को मिलता है ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है। और अगर थोड़ा वेरिएशन में देखा जाए तो ये रेंज वेरी करता है 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। हम ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं, मानव रक्त की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं हम, इसका पीएच मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपसे मिल्क का पीएच पूछ ले जाए, यानी कि दूध का पीएच पूछ ले जाए, तो ये 6.5 जो है, 6.5 के आसपास होता है।
और आपसे किस चीज़ का पूछा जा सकता है, हो सकता है सी वाटर का पूछ लिया जाए, तो 8.5 जो है वो सी वाटर का पीएच होता है, समुद्र का पानी होता है। अगर सॉफ्ट ड्रिंक का पूछ लिया जाए तो सॉफ्ट ड्रिंक का जो है वो 3 के आसपास होता है। ये मैंने बेसिक बेसिक आपको बता दिए। स्लाइबा, स्लाइबा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो रह गया। स्लाइबा को होता है 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में, स्लाइबा का ध्यान रखिएगा आप। तो ये भी पता चल गया आपको, बहुत ज़्यादा पीएच होते हैं वैसे तो, पर इतने याद रखिए। आगे बोलते हैं विच इज़ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ, प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन। तो कमर्शियल आयरन जो आपका होता है उसकी प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म कौन सी है आयरन की, आपने ध्यान रखना है कि वो है रफ आयरन। पिटवा लोहा जो है ये इसकी प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म जो है वो मानी जाती है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 149 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलते हैं विच गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो बोलते हैं जो अग्निशामक होते हैं उनमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक जो होते हैं इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि जंगलों में आग लगती है तो खासकर हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि पानी फेंकने से आग बुझ जाएगी, परंतु असल में जो आग बुझाने का सही तरीका है वो कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें फायर एक्सटिंग्विशर्स लगे होते हैं, स्कूल्स में देखे होंगे, कॉलेजेस में देखे होंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरे होते हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ वॉशिंग सोडा, इनमें से कौन सा वॉशिंग सोडा है, जो कपड़े धोने वाला सोडा होता है वो कौन सा है। तो 150 की बात करें, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और एच सच ही पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच गैस इज यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करना है, जीवाणुओं का नाश करना है, तो आपने देखा होगा क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। 151 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड। बोलते हैं पदार्थ की भौतिक गति में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है उसको क्या कहते हैं। जब कोई भी ट्रांसफर होती है हीट की बिकॉज ऑफ फिजिकल मूवमेंट, किसी की मूवमेंट करने से, तो उस हीट को क्या कहा जाता है, उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो कन्वेक्शन टर्म यूज़ की जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर है, संवहन टर्म जो है उसके लिए यूज़ की जाती है। 64 देखिए, 64 में बोलते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज। तो हमारे जो कान होते हैं वो किसी एक लिमिट रेंज तक ही जो है वो सुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि कितने भी मर्जी ऊंची आवाज़ होगी हम सुन पाएंगे। उसके बाद जो है आप कह सकते हैं कि कानों के पर्दे जो हैं वो क्रैश हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो सुनने की जो जो रेंज होती है रखी गई है, तो वो रखी गई है 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक, 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करें यहाँ से फ्रिक्वेंसी के यूनिट क्या होते हैं, तो फ्रिक्वेंसी के यूनिट जो है वो हर्ट्स होते हैं, HZ हर्ट्स जो है वो फ्रिक्वेंसी के यूनिट होते हैं। ध्यान रखना है फ्रिक्वेंसी का यूनिट भी आपको यहाँ से पता चला। अभी 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने डिस्कस किया था और देखो अभी पूछा गया क्वेश्चन। बोलते हैं बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ऑफ, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों उड़ सकती है अंधेरे में, बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, वो अंधेरे में उड़ सकती है। 66 नंबर क्वेश्चन में पूछते हैं विच मिरर इज यूज एज अ शेविंग मिरर। शेविंग करने के लिए जो मिरर कॉमनली यूज़ किया जाता है तो हम सोचते हैं कि वो प्लेन मिरर है, परंतु एक्चुअली में वो प्लेन मिरर ना होकर जो है वो मिरर की कोई और फॉर्म होती है जिसको कनकेव मिरर जो है वो आप कहते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, कनकेव मिरर उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया था कि इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ। तो फिलामेंट इसका जो होता है वो टंगस्टन का होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, 67 का। आपने पढ़ा होगा कि क्यों टंगस्टन इस्तेमाल किया जाता है, अभी हमने पढ़ा वो भी आपको पता चल गया कि क्यों किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, इसके ऊपर कौन सा मैकेनिज्म या कौन सा प्रिंसिपल जो है वो कार्य करता है। तो इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन का मैकेनिज्म कार्य करता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, न्यूक्लियर फ्यूजन, ध्यान रखना है। आगे 69 में बोलते हैं विच एसिड इज यूज इन लेड स्टोरेज बैटरीज। तो लेड स्टोरेज बैटरीज जो आपकी होती हैं उनमें कौन सा एसिड होता है, उनमें एक एसिड यूज़ किया जाता है जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो उसमें कॉमनली यूज़ किया जाता है। आगे बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली किस नाम से जाना जाता है। ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो सही आंसर है, इस नाम से जाना जाता है।
71 में बोलते हैं विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर जो है वो कौन सा माना जाता है, एक अच्छा सुचालक कौन सा माना जाता है। तो इसका अच्छा सुचालक माना जाता है ग्रेफाइट, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, ग्रेफाइट जो है वो अच्छा माना जाता है। ब्रॉन्ज इज एन, तो ब्रॉन्ज इज अ, ब्रॉन्ज क्या है, ब्रॉन्ज देखो आपने पढ़ा होगा कि ब्रॉन्ज इज अ एलॉय, तो 72 का क्या सही आंसर होगा, मिक्सचर, एलॉय का मतलब ही थोड़ा मिक्स का मिक्स करके होता है। तो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कौन कौन सी मेटल्स का एलॉय है, इसमें आपने ध्यान रखना है कि इसमें कॉपर भी होता है और टिन भी होता है, कॉपर और टिन का ये मिक्सचर है, ये आप ध्यान रखिए। तो ये आपको पता चल गया। आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में, 73 में बोलते हैं ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन, तो ग्लास को जो है आप किस तरह से एक अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है सुपर कूल्ड लिक्विड, ऑप्शन सी सही आंसर। 2-3 बार पूछा गया है क्वेश्चन HPSSC के द्वारा और डेफिनेटली आगे भी पूछा जाएगा। 74 में बोलते हैं विच इज़ अ सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर जो है इनमें से कौन सा है, अगर हम सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो नाइलॉन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, ऑप्शन ए जो है वो नाइलॉन इसका सही आंसर होगा। अच्छा, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल है तो आप मुझे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। बिल्कुल डेली लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जो ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर को जो मेजर करते हैं उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, पहला आप ये बताइए। दूसरा आप ये बताइए कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो होती है उसका ब्लड प्रेशर कितने से कितने के बीच में वेरी करता है। ये दो क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए अगर आपको आते हैं, बहुत हेल्प आपको भी मिल जाएगी। अगर नहीं आते हैं सर्च करके बताइएगा, अगर आते हैं तो बाकी लोगों को हेल्प मिल जाएगी। बोलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन में विच इज़ नॉट अ ट्रू स्नेक, इनमें से कौन सा एक ट्रू स्नेक नहीं है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन या सच पूछ ले जाते हैं, तो ग्लास स्नेक जो है इट इज़ नॉट अ ट्रू स्नेक, 75 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ग्लास स्नेक, कांच स्नेक, कांच गोधिका आप इसको कह सकते हैं, इट इज़ नॉट अ ट्रू स्नेक। आगे 76 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं बेरी बेरी इज कॉज्ड बाय दी डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, तो बेरी बेरी आपने सुना होगा कि विटामिन की कमी से होता है, अब ये कौन सी विटामिन की कमी से होता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज जो है वो इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि होता तो ये विटामिन की कमी से ही है। तो देखो आपने पढ़ा ज़रूर होगा ये, परंतु अभी हो सकता है कि कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन का आंसर आ गया हो, कुछ में नहीं आया, तो मैं आंसर बता देता हूँ। बेरी बेरी जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B1 को जो है वो थायामिन भी कहते हैं, तो इसकी कमी से जो है ये होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एक्सेस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी रिजल्ट इन, बोलते हैं शरीर में जल की अधिकता जो है इसके परिणाम स्वरूप होती है, किसके परिणाम स्वरूप होती है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ही इसका सही आंसर है। एक्चुअली में इसे होता क्या है, जब शरीर में पानी एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा पानी हो जाता है, अधिकता उसकी हो जाती है, तो उससे होता है इस तरह से है कि बॉडी में जो बॉडी के जो सॉल्ट लेवल होता है, सॉल्ट लेवल तो नीचे गिर जाता है और बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो थोड़ी से स्वेल कर जाते हैं, थोड़े से सूज जाते हैं, ये आप कह सकते हैं, तो ये होता है। आगे 78 में बोलते हैं पेन रिलीविंग ड्रग आर नोन एज, तो जो दर्द निवारक दवाई होती है उसको क्या कहते हैं, जो दर्द निवारक दवाई होती है इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, नन ऑफ दिस। तो आफ्टर ऑल उसको क्या कहा जाता है, उसको जो है वो एनाल्जेसिक्स कहा जाते हैं, एनाल्जेसिक्स आपने सुना होगा, एनाल्जेसिक्स जो है वो पेन रिलीवर के काम रूप में जो है वो काम करती है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि एनाल्जेसिक्स इसको कहते हैं जो पेन रिलीविंग ड्रग होती है। तो फिलहाल तो आपने ध्यान रखना है कि आपने अगर अभी भी हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए अपने टेलीग्राम पर, वहाँ से सर्च कीजिए @allexam31, इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 19,700 से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए ताकि आने वाला आपका कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम है या फिर कोई और एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।